हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास लोगो डिज़ाइन के हवाले से है और हम ये देखेंगे फोटोशॉप पर रहते हुए हम पेन टूल की मदद से एक अच्छा लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने एक पेज ले लिया और यहाँ साइड में मौजूद हमारे पास टूल बार में टेक्स्ट टूल के ऊपर पेन टूल मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन टूल लूँगा और पेपर को थोड़ा सा मैं अपने करीब कर लूँगा जूम करके। ठीक है, देन पेन टूल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर यहाँ से इस एंकर पॉइंट स्टार्ट किया, देन सेकंड एंकर पॉइंट लिया और इस वाले एंकर पॉइंट को जो मेरा आउटसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, उसे ब्रेक करूँगा। ये मेरा आउटसाइड है और ये मेरा इनसाइड है। ठीक है, और इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक किस तरह से करते हैं? आपने सिंपल जस्ट यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आना है पेंट टूल को। ठीक है, अभी क्लिक नहीं करना, आपने पहले अल्टर प्लेस करना है। अल्टर प्लेस करते ही आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो आउटसाइड वाला एंकर होगा आपका, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन तीसरा एंकर पॉइंट आपने यहाँ पर लेना है, ये कुछ इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करके, अगर कोई आपने ज़्यादा आउटसाइड पे चेक लगा दिया एंकर पॉइंट के लिए, ठीक है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर कंट्रोल की मदद से आप इसे यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अल्टर प्रेस करके, ये जो आउटसाइड में मेरा एंकर पॉइंट आ रहा है, मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से एक शेप ले, ठीक है, इस तरह से अगेन मैं इसे ब्रेक करूँगा एंकर पॉइंट को, और देन यहाँ पर लाकर मैं इसे क्लोज कर दूँगा। तो ये मेरा थोड़ा सा आउटसाइड बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा था, तो इसको जो है मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, जो सभी एंकर पॉइंट आपने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, आप बिल्कुल प्रोजेक्ट पे काम करते हुए इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, मैं जिस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वही एंकर पॉइंट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। देन यहाँ तक के मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है, ये वाला एक शेप मेरा बन चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ। राइट क्लिक करूँगा लेयर पे, डुप्लीकेट लेयर, देन ओके, और मैं कंट्रोल टी करके या फिर मैं एडिट पे जाऊँगा, यहाँ से मैं आऊँगा फिर ट्रांसफॉर्म, और मैं इससे इस तरह से कुछ इस एंगल पे कर्व करके यहाँ से मैं इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा इसे। ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल इस तरह से व्यू एडजस्ट हो चुका है। ये करने के बाद मैं करूँगा कुछ इसके शेप को चेंज। ठीक है, इसकी मैंने डुप्लीकेट बनाई थी, इसकी डुप्लीकेट तो बन गई, अब मैं थोड़ा सा इसके शेप को चेंज करूँगा। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने, बहुत ही नॉर्मल से है ये, और यहाँ से मैं इसे एंकर को, इसे वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले कर आया। अभी भी फ़िलहाल ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसे और एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से मैं यहाँ से व्यू लेकर आऊँगा इसे, देन यहाँ से क्लिक करके मैं इसे नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, और इसे कुछ व्यू करना है आपने, और यहाँ से थोड़ा सा इसे देन अभी फ़िलहाल यहीं पर जैसे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, बाद में जिस तरह से इसकी सेटिंग बनती है उसे सेट कर लेंगे। तो क्या, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
देन मैं काम करूंगा, यहाँ से मैं पेन टूल लूंगा। पेन टूल की मदद से मैं एक और शेप यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप मेरा वर्क करना है यहाँ पर, जिस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ। तो पेन टूल लूंगा मैं, और यहाँ पर मैं एक तो पॉइंट लूंगा, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ से सीख करके विदाउट कंट्रोल प्लेस किए मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पर आपने अल्टर प्लेस करके इस वाले एंकर पॉइंट को ब्रेक करना है। थोड़ा सा मैं इसके स्टेट आपने जाने, ठीक है? और थोड़ा सा आप अपने एवरेज के हिसाब से इससे बाहर की तरफ आओगे, ठीक है? इसे हल्का सा राउंड शेप देना कुछ, यहाँ पर अल्टर प्लेस करें, इसे ब्रेक करें एंकर पॉइंट पर, और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके इस तरह का एक शेप बना, ठीक है? मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, कैसे होगा ये कुछ यू होगा इस तरह का, ठीक है? ये करने के बाद अब मेरे पास रह जाता है कुछ यू, यहाँ से मैं लूँगा, ठीक है? और एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, और सेकेंड एंकर पॉइंट यहाँ पर लूँगा, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसके एक तरह से लूँगा जो इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है? क्लिक करना है, और इससे थोड़ी सी हाइट पर इस तरह से आपने थोड़ा सा यहाँ पर डाउन करके एक एंकर पॉइंट लेना है, और देन यहाँ पर लाके इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम आपने एक शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी फिलहाल इसकी एक शेप अच्छे से नहीं बनी, थोड़ी देर में अच्छे से शेप बन जाएगा। आपने इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है काम के हिसाब से, और इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, देन यहाँ तक का मेरा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब देन मैं इलेक्स टूल पे आऊँगा, और इलेक्स टूल की मदद से एक मैं सर्कल यहाँ पर ड्रा कर लूँगा, ठीक है? और यहाँ से ड्रा कर लूँगा, अभी भी मुझे कुछ इसका शेप ठीक नहीं लग रहा, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से, यहाँ से मैं और ऊपर की तरफ जाऊँगा, देन इसे करूँगा, इसे आप लोग भी जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, ठीक है? यहाँ पर मेरा काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसे आप इस तरह से ड्रा करके थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दें इसकी शेप को इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, देख रहे होंगे आप, ये एक बटरफ्लाई शेप है, हमारे पास एक लोगो तैयार है। और मैं यहाँ से आऊँगा कुछ मैंने टैक्स टेक्स्ट टूल लूँगा, टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर स्प्रे बटरफ्लाई मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? और ये कहता हूँ कि इस पर भी फिलहाल मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करता हूँ, जब सबसे टॉप पे लेकर जाता हूँ, और मैं यहाँ से आऊँगा इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद मेरे पास यहाँ पर ग्रेडिएंट आ रहे हैं। मैं इस ग्रेडिएंट को जाने के बाद यहाँ से कुछ सॉरी नीचे की तरफ डार्क होगा मेरा, और ऊपर की तरफ लाइट पर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। आई थिंक अच्छा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं आता हूँ इन सबको एक साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से भी इसे ग्रुप कर सकते हैं। देन फिर इस ग्रुप कर इन सबको ग्रुप करने के बाद मैं आऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन अगेन, मैं इसके ऊपर ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा ये, ठीक है? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लूँगा पर्पल डार्क कलर, इस पर मैं लूँगा लाइट कलर,
और इस लाइट को मैं कुछ कम कर दूंगा। अच्छा डार्क वाला है, मैं इसे थोड़ा और डार्क कर दूंगा कि ये थोड़ा सा ये पता तो चले इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा ऑन करने के लिए ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूँ। कंट्रोल डी करके इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एक और। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मैं इस पर ये काम करूँगा कि इसके ऊपर ग्रेडियंट मुझे बहुत ही लाइट सा लग रहा है, तो मैं इसके वाइट कलर को और लाइट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा इस पर डिफरेंस पता चल रहे हैं। देन टॉप पे आता हूँ और टॉप पे आने के बाद मैं इसे और थोड़ा सा ओके ओके करने के बाद मैं आता हूँ टेक्स्ट टूल पर। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट टूल पर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस नॉर्मल ही अच्छा लग रहा है। टेक पर भी जाता हूँ मैं, टेक्स पे जाने के बाद कलर सेलेक्ट किया और कलर में ही वाला पे चलता हूँ और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने इस पर बैकग्राउंड बनाया हुआ था तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इफेक्ट्स को ऑपन कर दूँगा। तो ये देखें आपके सामने भी कुछ वो तैयार है। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बनाना बताया था, समझाया था, तो इसकी नीड नहीं है। बैकग्राउंड बताऊँ दोबारा से, तो यहाँ पर ये हमारा पेंटिंग की मदद से हमने एक शेप, आपने देखा कितनी जल्दी से ये एक शेप ड्रा हुआ और इसकी मदद से हमने एक लोगो डिज़ाइन किया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।